नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे दोस्तों बहुत ही अच्छा न्यूज है और वहां पे दोस्तों एक अच्छा सेटअप बन रहा है दोस्तों। तो कैसे इस स्टॉक में से पैसा बना सकते हैं ट्रेड के जरिए, तो उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। न्यूज क्या है और न्यूज का इम्पैक्ट क्या हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों लास्ट वीडियो था अदानी पावर और अदानी विलमार के ऊपर दोस्तों, जहां पे मैंने लिख लिया है कंपलसरी अब सतर्क रहना है दोस्तों। दोनों स्टॉक ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त हमें मूवमेंट दिया है, बट अब ये टाइम आ चुका है कि जहां पे आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 159.80 का अभी का प्राइस चल रहा है, 4.14% का क्लोजिंग प्राइस है, 6.35% की तेजी है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूज में हेडलाइन थी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जूम 6% ऑन अ फंड राइजिंग प्लान, यानी कि जो जूम हुआ और उसके बाद दोस्तों गिरावट आई स्टॉक के अंदर, तो उसके पूछे कि यहाँ पे देखिए ऊपर हुआ और फिर उसके बाद गिरावट आ गई। अब क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 6% का ग्रोथ आया, 6% अपर हुआ है स्टॉक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि द लेंडर एक्सेप्ट द लोन ग्रोथ 15-20% इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, विच वुड लिफ्ट इट्स बैलेंस शीट टू लेवल्स नियर द प्री पेंडेमिक पीक व्हेन इट हैड क्रॉस द 1 लाख करोड़ मार्क एंड द मॉर्गेज लेंडर्स काउंटर जंप टू अ हाई एट 161.9 अगेंस्ट रुपीज 153.45 एट प्रीवियस क्लोज ऑन द NSE। तो ये स्टॉक ऊपर हुआ, पीक भी हुआ, बट दोस्तों यहाँ पे उसके बाद गिरावट भी आ गई स्टॉक के अंदर। एंड वी हैव टेकन द बोर्ड परमिशन टू रेज अ हायर कैपिटल एज वी एक्सेप्ट ओवरऑल लोन ग्रोथ वुड बी ओवर 15-20% नेक्स्ट फिजिकल एंड लोन डिमांड इज लाइकली टू गेदर मोमेंटम फ्रॉम द सेकंड हाफ। अश्विनी हुडा फ्रॉम डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, दिस विल बी द फर्स्ट फंड रेजिंग बाई द कंपनी आफ्टर द फाउंडर समीर गहलोत इन मिड डिसम्बर 2021 अनाउंस दैट ही वुड लीव द बोर्ड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम March 31st, 2022 एंड विल ऑल्सो फुल्ली एग्जिट हिज ऑल होल्डिंग कंपनी इन अ फ्यू ईयर्स। तो ये दोस्तों न्यूज आया था और उनके जो प्रमोटर का इश्यू हुआ उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। ईडी ने भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान किया और स्टॉक जबरदस्त पैनिक लेवल पे नीचे आया। अब थोड़ा बॉटम बनाने की कोशिश की, अब दोस्तों एक ऐसे लेवल के ऊपर आ चुका है कि जहाँ पे आपको बहुत ही सतर्क तो हो जाना है, बट यहाँ पे एक अच्छा मौका भी बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई को मंथली चार्ट के ऊपर कनेक्ट करने के बाद जो लेवल आ रहा है 61.8% का 183 है, यानी कि दोस्तों ये स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग के नज़रिए से लेना चाहिए और उसमें थोड़ा रिस्क हाई हो जाएगा। क्यों हाई रिस्क होगा तो मैं आपको बता दूँ कि 61.8% के नीचे कारोबार कर रहा है, 183 के आसपास जो लेवल है उसके नीचे कारोबार कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि गैप है, 23 फरवरी का जो प्राइस था क्लोजिंग 162 था और 24 फरवरी का प्राइस था 148, तो जो गैप था उसको, यानी कि अगर मैं गैप को ही सिर्फ दर्शा दूँ आपको ब्लू लाइन के जरिए, तो ये हमारा गैप है, तो ये गैप को अच्छी तरह से फिल कर रहा है दोस्तों ये स्टॉक। आप देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि गैप जो बना था गैप डाउन में वो फिल कर रहा है। आज तोड़ने की कोशिश की, बीच में भी तोड़ने की कोशिश की, बट तोड़ नहीं पाया दोस्तों। एक बार अगर नीचे के एंड पे ना तोड़े और एक बार ऊपर की एंड पे तोड़ता है वॉल्यूम के साथ, जैसे आज हमें वॉल्यूम मिला है, वैसे एक अच्छा न्यूज़ के बाद 163 के ऊपर चालू करे, तो फिर आपको टारगेट बन सकता है दोस्तों 167 का, 172 का और 178 का, 183 का दोस्तों। एक बार लेवल टच होके वापस आता है या क्या होता है वो देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 61.8% का रिट्रेसमेंट बहुत ही बड़ा होता है, उसको एक बार में नहीं तोड़ पाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के जरिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। दूसरा दोस्तों लॉजिक वो है कि जैसे हमने रिलायंस इंफ्रा में कल बताया था कि रिलायंस इंफ्रा में अनिल अंबानी जी ने रिज़ाइन किया था, उनको श्री इक्विपमेंट फाइनेंस ने भी प्रॉब्लम में आए थे 38 करोड़ के लोन के ऊपर, फिर भी आज स्टॉक का प्राइस अपवर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि रीज़न था टेक्निकली। क्या है रीज़न? तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों चार्ट के ऊपर, यहाँ पे 20 डेज का मूविंग एवरेज है, वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक जो है 20 डेज के मूविंग एवरेज में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था और एक स्क्वीज मूवमेंट था, अब उसको तोड़ा है, आज उसने तोड़ दिया है आज 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जब 20 डेज का मूविंग एवरेज है दोस्तों
जब ये मूविंग एवरेज को तोड़ता है दोस्तों, ये देखिए स्क्वीज हो गया था मूविंग एवरेज के अंदर, फिर जैसे ही तोड़ा फिर थोड़ा बेस बनाया, फिर काफ़ी नीचे मिला था। अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पे टू क्लोजिंग आया था 209 का, और फिर नीचे हुआ जो लो बना था वो था 203 का, यानी काफ़ी अच्छा लोअर मोमेंटम मिला था। इवन यही चीज़ दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए स्क्वीज मोमेंट हुआ था, और फिर जैसे ही तोड़ा फिर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देना स्टार्ट कर लिया, यानी कि एक बार यहाँ पे भी दोस्तों एक बार खुल जाएगा और यहाँ पे अगर ऊपर मोमेंट आता है तो हमें बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा, और गैप फिल करने के लिए जो टाइम चाहिए था वो टाइम भी खत्म हो रहा है, यानी कि बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा है। एक बार 163 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर पॉजिटिव क्लोज दे तो फिर यहाँ पे बन जाइए, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आए तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, बट ये सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना नहीं है, क्योंकि 61.8% का रिट्रेसमेंट जब इतना सारा पैनिक हुआ है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले एक साल में कितना गंदा रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने दोस्तों। पिछले एक साल में 18% की गिरावट दी है, और 5 साल के अंदर तो वाह 83%, और लॉन्ग टर्म में भी देखें तो दोस्तों 34% का ही है। तो 5 साल के अंदर दोस्तों बिल्कुल वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है लोगों के, तो यहाँ पे थोड़ा फंसने के भी चांसेस बन सकते हैं, बट ट्रेडिंग के जरिए इस स्टॉक में पैसा बनाया जा सकता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।